चलिए दोस्तों, बात करते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 5 की। तो इस एक्सरसाइज में हम बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, इस एक्सरसाइज में हम ट्रांसपोज की चीज़ें पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से ट्रांसपोज होता है और किस तरीके से उसका यूज़ करना है। चलिए आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 गिवन टू फाइंड ए वी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये आपको प्रूव करना है। तो आपको एक मैट्रिक्स दी ए, एक आपको मैट्रिक्स दी बी। आप देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज की जरूरत पड़ेगी, तो आप क्या करेंगे, सीधा भी लिख सकेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको ए वी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, तो आपने ए वी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए लिखा, बी लिखा, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई की, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस, सिमिलरली फॉर अदर एलिमेंट्स। अब ए बी जो भी आपकी मैट्रिक्स आई उसको आपने क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया, यानी कि जो आपकी रोज थी उनको कॉलम में चेंज कर दिया। चलिए ए बी ट्रांसपोज आ गया। अब हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के बाद राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में क्या है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। तो हाँ, आपको बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिखना है, तो बी क्या है, ये मैट्रिक्स। जिस दिन इसका ट्रांसपोज करेंगे इस रो मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। और ये आपने क्या लिखा, कॉलम मैट्रिक्स। ए क्या है, आपकी रो कॉलम मैट्रिक्स है, इसका क्या बन जाएगा, रो मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये आपने पीछे लिख दिया रो मैट्रिक्स, करेक्ट। अब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने देखा कि जो ए बी का ट्रांसपोज आया था वही यहाँ पर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साइड है किसके इक्वल हो गई, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो गई। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5th सेकेंड पार्ट। हेयर इज वॉट, ए इक्वल टू समथिंग एंड बी इक्वल टू समथिंग। आपको दो मैट्रिसेस गिवन है और सेम कंडीशन आपको प्रूव करनी है। तो सबसे पहले आप ए बी फाइंड करेंगे, तो ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसका ट्रांसपोज कर देंगे। आपने ट्रांसपोज कर दिया, अब आप बी का ट्रांसपोज लिखेंगे, ये रहा, ए का ट्रांसपोज लिखेंगे, ये रहा, और इनकी जब आपस में मल्टीप्लाई की तो किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। आप देखिए ये जो लिखा हुआ है वही यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, ए बी ट्रांसपोज, ए बी की मल्टीप्लाई की ट्रांसपोज की। और आपने प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी क्या थी कि ए बी का होल का ट्रांसपोज बराबर होता है बी के ट्रांसपोज के इंटू ए के ट्रांसपोज की। ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, करेक्ट, ट्रांसपोज प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, और उसके फर्स्ट पार्ट में आपको एक मैट्रिसेस गिवन है, एक मैट्रिक्स गिवन है, कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा, और आपको वेरीफाई करना है कि ए का ट्रांसपोज ए इक्वल टू होगा आई, वेयर आई इज वॉट, आई इज़ अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आपको मालूम है वो क्या होती है, 1 0 0 1। अब आप कहेंगे सर ये 1 0 0 1 ये क्यों होती है, ये ऐसा भी तो हो सकती है कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि 3 × 3 की क्यों नहीं हो सकती। तो इसका बड़ा क्लियर कट आंसर है कि क्वेश्चन में बाकी मैट्रिसेस जिस ऑर्डर की गिवन हो, आपको आई मैट्रिक्स भी उसी ऑर्डर की कंसीडर करनी होती है। तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स किसकी गिवन है, ये मैट्रिक्स आपको गिवन है 2 × 2 की, तो एज ऑफ कोर्स आई भी आपको 2 × 2 का ही कंसीडर करना पड़ेगा। तो आपने सबसे पहले ए ट्रांसपोज की जरूरत है, तो आपने इसका ए ट्रांसपोज कर लिया, यानी कि दिस इस तरीके से और इसको इस तरीके से, किससे मल्टीप्लाई करनी है, ए मैट्रिक्स से। तो मैंने ए ट्रांसपोज लिखा, ए मैट्रिक्स की दोनों की मल्टीप्लाई की, तो यहाँ पर आ गया कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा को मैंने एस स्क्वायर अल्फा लिख दिया है। सिमिलरली यहाँ पर आया तो कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा। सिमिलरली साइन अल्फा कॉज अल्फा माइनस कॉज अल्फा साइन अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर अल्फा। मैं यहाँ पर क्लियर भी कर देता हूँ कि जो आपका साइन अल्फा है उसको आप एस अल्फा लिख रहे हो, और जो आपका कॉज अल्फा है उसको आप सी अल्फा लिख रहे हो। क्लियर, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, जिस दिन इसको आपने देखा कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 होता है, तो इसका मतलब इसकी जगह पर आपने 1 लिख दिया। सिमिलरली इसकी जगह पर आपने 1 लिख दिया, और ये आपस में कैंसिल हो गए। और अगर ये कैंसिल हो गए, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 0 0। और ये क्या होता है, आई मैट्रिक्स होता है। तो हमने क्या प्रूव करना था, ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इन क्वेश्चन नंबर 7, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट है, वेरीफाई ए ट्रांसपोज ए, सेम वही कंडीशन आपने फिर वापस से प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7, हेयर इज ए मैट्रिक्स 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3।
और आपको ये प्रूव करना है कि ये जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करने के लिए क्या करना होता है कि उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वापस अगर वही आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, यानी कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो जाए। तो ए ये जो मैट्रिक्स थी इसका ट्रांसपोज किया, और ट्रांसपोज करने के माने बाद मैंने देखा कि ये तो मैच कर रहा है, मैच कर रहा है इसका मतलब वो ए के इक्वल है, और अगर ए के इक्वल हो गया इसका मतलब वो सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। सिमिलरली फॉर द सेकेंड पार्ट दे आर आस्किंग फॉर द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड वॉट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वे आर ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू माइनस ए। तो आपने इसका जब ट्रांसपोज किया तो ये आया, लेकिन माइनस के साइन का फर्क पड़ गया तो आपने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेते ये कैसा हो गया ए के जैसा हो गया, तो आपने इक्वल टू ए लिख दिया। तो ये क्या प्रूव कर गया, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को प्रूव कर गया। क्वेश्चन नंबर 8, गिवन ए इक्वल टू, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है 1 5 6 7, और ये कह रहे हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब इससे जो आएगा उसको अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकलेगी। तो मैंने सबसे पहले इनकी कैलकुलेशन कर ली, यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज को ऐड किया और ये मैट्रिक्स आ गया, और मैंने इसको क्या मान लिया पी। इसका मतलब मैं पी का ट्रांसपोज करूं तो वापस क्या जाना चाहिए, पी आना चाहिए। तो ये आपका पी है, इसका मैंने ट्रांसपोज किया तो क्या हो गया 2 1 11 14, और ये किसकी इक्वल है, इसी की इक्वल है। इसका मतलब ये क्या हो गया कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद भी वापस वही आ गई, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं, आई होप उन्होंने उसमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात की होगी। देखिएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये क्यू मैट्रिक्स है, तो क्यू मैट्रिक्स फिगर आउट कर लिया आपने, जो कि क्या आ गई 0 -1 1 0। इसका ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने पर ऐसा आ गया, ट्रांसपोज करने के बाद माइनस के साइन का फर्क आया, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये माइनस का जो था वो प्लस का हो गया, और जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, और ये किससे मैच कर गया, और आपने देखा कि सर ये तो इससे मैच कर गया, और अगर ये मैच कर गया यानी सेम है तो इसका मतलब ये क्यू के इक्वल है, तो मैंने क्यू लिख दिया उसकी जगह पर, इसका मतलब क्यू का ट्रांसपोज माइनस क्यू के इक्वल हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। तो आपने वापस ओरिजिनल फॉर्म में लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, गिवेन ए इक्वल टू 0 AB - A 0 C - B - C 0, करेक्ट। अब वो कह रहे हैं कि हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज पता करो, तो सिंपली क्या है इसके ट्रांसपोज में इसी को ऐड कर दो, तो मैंने ऐड कर दिया, जो 0 0 हो गया ये 1/2 अंदर गया, सारा 0 हो गया, तो ये आपका हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज आ गया। अब की बार वो माइनस करने को कह रहे थे, इस बार आपने माइनस कर दिया, और माइनस करने के बाद 2 से डिवाइड कर दिया, सॉल्व कर दिया, इसमें मैंने ये सीधा लिख दिया था क्योंकि यहाँ पर मैं खोल के ओपन करके लिखा था, यहाँ सीधा लिख दिया है। चलिए अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की, ये यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि दो मैट्रिक्स का यानी सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आप बताइए क्या होगा। तो एक बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसका फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो कि मैंने आपको प्रूव भी करवाया था, वो ये होता है। तो आपके पास ए मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज आपने लिख लिया, इस फॉर्मूले में पुट किया, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज मैंने डायरेक्टली लिख दिया, ए माइनस ए ट्रांसपोज मैंने डायरेक्टली लिख दिया, हाफ दोनों से बाहर ले लिया, इन दोनों को ऐड किया, और क्या आ गया 3 5 1 -1, और ये किसके इक्वल आ गया, उस ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। सो हेंस इट इज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली इन केस ऑफ सेकंड पार्ट, यहाँ पर 3 × 3 की मैट्रिक्स दी है, तो आपने इसका एक ट्रांसपोज फाइंड कर लिया, अब ये प्लस ये किया होगा तो ये आया, और ये माइनस ये किया तो ये आया, यानी कि इस फॉर्मूले में पुट किया, अब हाफ बाहर ले लिया, दोनों को ऐड किया, तो ये वापस किसके आ गया, इसी ओरिजिनल मैट्रिक्स से इक्वल आ गया। इट मीन्स ये भी क्या है, सम है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है कि आपके पास एक बी मैट्रिक्स है, मैंने बी एज्यूम कर लिया है, वहाँ पर एक्चुअली कोई सिंबल नहीं दिया है एनसीईआरटी में, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज। अब मुझे ये पता करना है, तो मैंने दिस प्लस दिस किया, दिस माइनस दिस की हाफ दोनों में है, हाफ कॉमन ले ली, दोनों को ऐड किया, सॉल्व करने के बाद क्या आया, वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आया। इसका मतलब ये भी क्या है, सम ऑफ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे मैंने एक ही जगह पर सी को एज्यूम किया है, तो आई होप इसको आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, ये कहते हैं इस क्वेश्चन में कि ए और बी जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इट मीन्स ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा और बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा, ये बात इन्होंने क्वेश्चन में कही है। अब वो कह रहे हैं कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा, यानी ए बी माइनस बी ए आपको बताना है।
तो ए बी माइनस बी ए पर मैंने ट्रांसपोज अप्लाई किया, ट्रांसपोज जब अंदर जाता है तो इंडिविजुअली लग जाएगा, और जब प्रोडक्ट में अंदर जाता है तो इनके पोजीशन चेंज कर देता है, यानी पोजीशन क्या कर देता है, ऐसे चेंज कर देता है, बी की जगह पर ए, ए की जगह पर बी, इस तरीके से चेंज करता है। तो ये क्या हो गया, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, और हमें क्या मालूम है ए का ट्रांसपोज ए की इक्वल है और बी का ट्रांसपोज बी की इक्वल है। तो मैंने क्या किया, ए के ट्रांसपोज की जगह ए की वैल्यू, बी के ट्रांसपोज की जगह बी की वैल्यू, सिमिलरली हेयर, और माइनस कॉमन ले रखा है तो ए बी माइनस बी आ गया, नहीं जो ये था वही आ गया, बस माइनस के साइन का फर्क है, और माइनस का साइन अगर आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज गिवेन, ए इक्वल टू आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, दैट इज कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा, और वो कह रहे हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल है आई के, देन फाइंड आउट अल्फा इक्वल टू व्हाट। सो व्हाट ए प्लस ए ट्रांसपोज, आपने ए रखा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज रखा, इक्वल टू 1001 आई है, आई 2 इंटू 2 की क्यों की है, क्योंकि बाकी एयर मैट्रिक्स भी 2 इंटू 2 की ही गिवन है। मैंने दोनों को ऐड किया तो ये क्या आ गया, 2 कॉज अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा प्लस 2 कॉज अल्फा इक्वल टू 1001। एंड यू नो इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। तो मैंने क्या किया, दिस इक्वल टू दिस किया, तो 2 कॉज अल्फा इक्वल टू 1, इट मीन्स ये 2 नीचे आ गया तो कॉज अल्फा इक्वल टू 1/2, कॉज की वैल्यू 1/2 कहाँ पर होती है, पाई बाई 3, इट मीन्स अल्फा इक्वल टू पाई बाई 3। एंड अनदर ऑप्शन इज वॉट, यहाँ पर 2 साइन अल्फा किसके इक्वल होगा, 0 के, तो 2 साइन अल्फा इक्वल टू 0, इट मीन्स साइन अल्फा इक्वल टू 0, इट मीन्स अल्फा इक्वल टू 0, लेकिन ऑप्शन में आपको सिर्फ बी यानी कि पाई बाई 3 ही गिवन है, 0 वहाँ पर गिवन नहीं है। अगर 0 भी गिवन होता वो भी आपका आंसर हो सकता था। तो लास्ट 12th एक्सरसाइज 3.3 दैट इज कॉल्ड मैट्रिसेस। तो आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा, आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे, किसी भी हेल्प बुक से करेंगे, और हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।